के आईन में ये बात वाज़े है कि पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून कभी नहीं बन सकता, मगर अफसोस के अब इस कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा और तमाम पार्लियामेंट और कानून साज इदारे अब मगरिब परस्त हो चुके हैं। हाल ही में यह खबर मंजरे आम पर आई कि पाकिस्तान में हम जिंस परस्तों के लिए एक खास कानून पास किया गया है, जिसके मुताबिक कोई भी मर्द या औरत अब आसानी से नादरा के रिकॉर्ड में बगैर किसी रोकथाम के अपनी जिंस को तब्दील करवा सकता है। वैसे तो ये कानून ख्वाजा सरा लोगों के लिए बनाया गया है ताकि इनको भी अपनी एक अलग पहचान मिल सके, लेकिन इसका फायदा बड़े पैमाने पर हम जिंस परस्त लोग उठा रहे हैं। इस कानून के तहत अब अगर कोई मर्द नादरा में जाकर ये कहे कि अब मुझ में औरतों वाले एहसासात जन्म ले रहे हैं, लिहाजा मेरे जिंस वाले खाने में मर्द को हटाकर औरत लिख दिया जाए, और बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई औरत ये दावा कर दे कि अब मेरे अंदर मर्दों वाले एहसासात पैदा हो गए हैं लिहाजा मुझे मर्द लिख दिया जाए, तो इस सिलसिले में नादरा बगैर किसी बहस और मेडिकल सनद के मर्द को औरत और औरत को मर्द लिख सकता है। इसके बाद मर्द को चूंकि आईडी कार्ड में औरत लिखा जा चुका है लिहाजा उसे कानूनी तौर पर यह पूरी आजादी होगी कि वो किसी मर्द से जाकर शादी कर ले और इसी के साथ रहे और ताल्लुकात कायम करे, और बिल्कुल ऐसे ही ये कानून औरतों के लिए भी लागू होगा। यानी इस तरह से अब सरेआम मर्द की शादी मर्द से और औरत की शादी औरत से हो सकेगी और इन शादियों को इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान में एक मुकम्मल कानूनी हैसियत और तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होगा। है कि इस चीज़ की उन्होंने कानूनी तौर पर इजाजत दे दी है, ये लोग मजाक करते हैं, बाद में पता चला वाकईतन ऐसा है, लड़का लड़के से बदफेली कर रहा है इसको बुरा नहीं समझा जा रहा, लड़की लड़की से बदफेली कर रही है इसको बुरा नहीं समझा जा रहा, ये चीज़ तो फितरत के खिलाफ है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने इसी बुनियाद पर तबाह किया, पूरी कौम आसमान की तरफ उठा के उलट के दे मारा, और लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को क्या समझाया, वतज़रून मा खलक लकुम रब्बुकुम, कि जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया जिस औरत को उससे शादी नहीं करते और जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया नहीं है उसकी तरफ जाते हो, तो कैसी हमकाना हरकत कर रहे हो। याद रखो ये जो गे मैरिज का रिवाज है ये ना इस्लाम इसकी इजाजत देता है, ना ईसाइयत इसकी इजाजत देती है, ना यहूदियत इसकी इजाजत देती है, और ना ही फितरत और नेचर इसकी इजाजत देती है।